ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल पोके चैटर। बोलो क्या है मैटर। पोकेमॉन की नई मूवी की डेट आ चुकी है विद द प्रोमो, तो प्रॉपर बात करने वाले इस बारे में। और पोकेमॉन XYZ को भी लेके मेरे पास कुछ अपडेट्स हैं जो कि मुझे आपको देनी है, तो आप लोग बहुत खुश हो जाओगे उस चीज को लेके। और दोस्तों, एक बहुत ज्यादा कमाल की बात कि इस ईयर हमको 26 मई के अंदर 4 साल हो जाएंगे। यस, तुम्हारे पोके चैटर को 4 साल हो जाएंगे भाई। वक्त का पता नहीं लगता है क्या कहाँ पहुंच जाते हैं हम लोग। तो आज वीडियो थोड़ी डीप होने वाली, थोड़ी हम दिल की बात शेयर करने वाले आप लोगों से, बहुत ज़्यादा बातें करना है मेरे को आप लोगों से। तो भाई वीडियो में अपडेट्स तो हैं, न्यूज़ भी है, लेकिन थोड़ा पर्सनल टच भी होने वाला वीडियो के अंदर। स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं, लेट्स गो माय पोकेमॉन ऑडियंस, लेट्स गो। पहले गाइस बात करते हैं अपडेट के बारे में। तो भाई पोकेमॉन की न्यू मूवी हम में दम का प्रोमो आ चुका है और इसकी डेट भी आ चुकी है। मैं कल आपको डिस्कस किया था भाई किसकी डेट नहीं आ रही है, शायद डिज्नी वालों ने वो देख लिया है। एंड अब फाइनली इसकी डेट भी रिलीज हो गई है एंड इसकी डेट होने वाली है 14th of April। यस, 14th of April को भाई पोकेमॉन की नई मूवी, नई नवेली मूवी हिंदी तमिल तेलुगु में आपको देखने को मिलेगी, ओनली ऑन हंगामा टीवी। इसका पीछे का बैनर भी चेंज हो चुका है, जो पहले हंगामा टीवी का आता था पूरा चेंज हो चुका है। तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है अभी देख के एंड होपफुली इसके अंदर हमको ओपनिंग सॉन्ग भी देखने को मिल जाए, प्रोबेबली मिल जाए तो अच्छी बात रहेगी। तो तुम लोग अभी कभी वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ कमेंट के अंदर कि भाई तुमको कितना एक्साइटमेंट है। मैं को तो बहुत ज्यादा आया है, मैंने इसको इंग्लिश में देखा हुआ, लेकिन हिंदी में देखने के लिए, जो नचिकेत सर की वॉइस सुनने के लिए, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और गाइस, अब बात करते हैं द मोस्ट फेवरेट टॉपिक यानी पोकेमॉन XYZ। लगता है हम लोग बुड्ढे हो जाएंगे लेकिन पोकेमॉन XYZ नहीं आने वाला है, ऐसा आप लोग को लग रहा होगा। मुझे कमेंट भी कुछ ऐसे ऐसे ही आते हैं, तो मैं थोड़ा उससे बात रिलेट कर रहा था, ठीक है। तो चार्टर्स, हमने इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाई थी बहुत टाइम पहले अभी, कि पोकेमॉन XYZ का चल क्या रहा, एक्चुअली प्रॉपर सब कुछ डिस्कस किया था एंड आपको बहुत पसंद आई थी वाली वीडियो, आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, थैंक यू सो मच। और अब आपको जानना है आगे क्या हो रहा है। तो दोस्तों, अपडेट ये है कि पोकेमॉन XYZ यानी सीजन नंबर 19 यानी कि वो लेजेंडरी सीजन जिसका हम सब लोग को वेट चल रहा है, उसका डेट आपको बहुत जल्दी डिज्नी अनाउंस करते हुए देखने को मिलने वाली है, क्योंकि ऐसी प्लानिंग की जा रही है कि जो नई मूवी आ रही है हम मैदम, ये बताया जा रहा है, ये एक टाइप का ऐलान किया जा रहा है कि पोकेमॉन अभी तक डेड नहीं हुआ है। और बेसिकली ये मूवी इसलिए आ रही है ताकि वो जो पहले की ऑडियंस है ना पोकेमॉन वाली, उनको लेके आया जाए। हमने पहले भी पैटर्न देखा है डिज्नी का, ऐसी करती वो। एंड मुझे जो अपडेट्स पता पड़ी है उससे क्लियर हो रहा है कि बहुत जल्द, लाइक आपको बहुत जल्द। तुम लोगों में से बहुत लोग सोच रहे होंगे ये चीज कि भाई आप हमेशा बोलते हो कि आने वाला, लेकिन गाइस इस बार ना, बस मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, बट दोस्तों बहुत करीब हो, बहुत ज्यादा करीब हो, और अब आने वाला है पोकेमॉन XYZ। तो खुश हो जाओ, मजे मारो, ठीक है। जिस दिन आएगा प्रोमो आई विल अपडेट यू, और अब बहुत जल्द, समझिए बहुत जल्द, ओके। इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता बिकॉज दोस्तों थोड़ा आगे चल के कुछ लोगों को दिक्कत हो सकता है, तो मैं आपको बस इतना कहूँगा कि बहुत जल्द, जितना तुम सोच रहे हो उससे भी जल्द, ठीक है बस। तो गाइज ये थी सारी अपडेट्स, अब थोड़ी दिल की बात करता हूँ आप लोगों से, मुझे जो बहुत टाइम से करनी है वो करता हूँ, ठीक है। 4 साल हो चुके हैं इस चीज़ को, 4 साल पहले मैंने चैनल को स्टार्ट किया था, तब पोकेमॉन को लिटरली ऐसा बोला जाता था कि पोकेमॉन अरे भूल गए वो तो, कौन देखता है। उस टाइम पे ऐसी चीज़ चलती थी और हम जितने थे क्रिएटर्स, हम लोगों ने वो ट्राई किया कि किसी भी तरीके से पोकेमॉन को नीचे से ऊपर उठाया जाए। उसके लिए हमने आपके लिए कंटेंट बनाया, हमने XY के बारे में बताया कि XY कैसे लॉन्च हुआ, हमने बहुत सारे वीडियोज़ बनाई पोकेमॉन की पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए। बिकॉज गाइज मैं उस टाइम से हूँ जब मैं हंगामा टीवी पोकेमॉन देखता था 1 बजे आके, एंड वो लिटरली मैं फील करता था कि बाकी लोग क्यों देख नहीं पाते हैं। तो वो उसके लिए हमने बहुत सारे कंटेंट बनाया, पोकेमॉन को लेके आए, आगे करा, और अब फाइनली वो टाइम आ चुका है जब पोकेमॉन लिटरली अवेलेबल है हर जगह, यूट्यूब पे अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल है, आपको प्रॉपर उसके एपिसोड देखने को मिलते हैं चैनल्स के ऊपर भी। बस XYZ नहीं आ रहा, अलग बात है, वो भी बहुत अब आने वाला है। और तो और जियो सिनेमा ने जो किया है भाई पोकेमॉन को लेकर, लाइक पोकेमॉन के मूवीज एपिसोड्स वहाँ पर अवेलेबल हो चुके हैं, तो काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। और हमारा जो मकसद था ना, लिटरली हमारा मकसद जो था कि पोकेमॉन को लेके आना है एकदम टॉप स्ट्रीम के अंदर, वो फाइनली पूरा हो रहा है। और शायद आप लोग अब मुझे कुछ टाइम में देख रहे होंगे कि मैं पोकेमॉन को अलविदा कह रहा होऊंगा, या इस चैनल को भी अलविदा कह रहा होऊंगा बहुत जल्दी, बिकॉज जिस मकसद से चैनल स्टार्ट किया था वो ख़त्म हो चुका है। और मेरे को नहीं पता कि अब हम क्या कर रहे होंगे, होपफुली मतलब अगर कुछ न्यूज़ आ रही होगी तो मैं आपको दे रहा हूँगा, बट जो चीज़ के लिए स्टार्ट किया था वो हो गई है, ठीक है। और मैं एनिमे देखता हूँ, मैं बहुत सारे एनिमे देख रहा हूँ, अभी भी देख रहा हूँ, तो अगर तुमको एनिमे के लिए इंटरेस्ट है तो मैं उस बारे में बात कर सकता हूँ, बिकॉज पर पोकेमॉन के बारे में बात करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि देखो XYZ आएगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना, फिर एवरीथिंग विल गेट ओवर, फिर हम बड़े हो चुके होंगे यार, हम सब लोग बड़े हो चुके होंगे, पोकेमॉन तो दिल में बसता है, वो बात अलग है। बट बता रहा हूँ तुमको मैं, काफ़ी चीज़ें चेंज होने वाली है किसल के। और एनिमे के ऑडियंस जो है, तुम लोग मेरे को जो मिले हो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माई चैनल।
थोड़ा सा ओवरवेलमिंग फील हो रहा है, मैं बोले यारो बस आप सुनते जाओ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय चैनल गाइज, एंड जो हमने जर्नी साथ में जी है ना, आप लोग कमेंट देखना कि भाई पोकेमॉन पे ये वीडियो बनाओ, पोकेमॉन पे ये वीडियो बनाओ, टॉप 10 ये करो, टॉप 10 वो करो, भाई इस पे क्यों नहीं है, ये न्यूज़ क्यों नहीं आ रही, भाई भाई कमिंग सून का प्रोमो आ चुका है, भाई ये हो चुका है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गाइस। सो पोके चार्टर का अंत नहीं हो रहा है, पर पोके चार्टर का रीपैकेज हो सकता है बहुत जल्दी। एंड मैं बस इतना कहूँगा कि आप पोकेमॉन के बारे में, यार देखो न्यूज़ क्या ही दूँ मैं आपको, बस ज़्यादा आती नहीं ना, बिकॉज अब ऑलरेडी बहुत कुछ आ चुका है पोकेमॉन के बारे में। सो एक्स वाई जी जब आएगा तो हम उसके लिए बैंड बाजा बजाएंगे, भैंस की आग मज़ा आ जाएगा, लेकिन अभी आप लोगों के लिए इतना ही है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपके साथ कुछ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नोटो तो आ रहा है, नोटो शिपोटे में देख रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, तो उस पर मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। अपने नीचे मुझे कमेंट आता है भाई पोकेमॉन पे वीडियोज़ क्यों नहीं आ रही, मैं उसको क्लैरिफाई कर दूँ मैं आप लोगों को कि एक्चुअली क्या चल रहा है। तो नहीं बोलते बन रहा है यार, पोके चार्टर का ये अंत नहीं हो रहा है, पोके चार्टर का ये रीबर्थ होने वाला है, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। आगे चल के हम लोग लिटरली बहुत कुछ कर रहे होंगे, क्योंकि अब चैनल पे ऐसा कंटेंट आने वाला है जिसके लिए आप लोग लिटरली रेडी नहीं हो, और मैं आपको बहुत कुछ देने वाला हूँ दोस्तों, बस बने रहो। बिकॉज यार पोकेमॉन से ना दिल से कनेक्शन है, बिकॉज उस पर ही चैनल स्टार्ट किया था मैंने, और हम इतना आगे पहुँच चुके हैं, बहुत बोल दिया यार, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट जो आपने लोगों ने दिया है, thank you so much for the love, thank you so much for the everything, bye bye.